तो नमस्कार किशन भाइयों, आप लोग का फिर से एक नए वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैं खीरे के ही प्लॉट पर हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। एरिया की बात की जाए तो करीबन ये 3 एकड़ का करीबन ये एरिया है। बहुत ही बड़े एरिया पर हमने हमारी ये खीरे की खेती हुई है। वेरायटी की अगर हम बात की जाए तो इसमें वेरायटी दो वेरायटी है इसमें चयन की गई है, जो कि 5 सीड्स की तरफ से आने वाली माधुरी है और एक है सेमनिस कंपनी की तरफ से आने वाली मालिनी खीरा। दोनों ही खीरा बहुत हाई प्रोडक्शन वगैरह देती है, वजनदार रहता है। प्रोडक्शन में तो आप बात ही छोड़ दो, बहुत हाई रहता है इन सब खीरों का। आज हमारे वीडियो का टॉपिक ये है कि खीरे के अगर हमारे किसान ने खेती किए हैं तो ग्रोथ वगैरह के लिए खाद वगैरह क्या क्या चलाया जाता है, जड़ मजबूत कैसे किया जाता है, प्रोडक्शन वगैरह के लिए क्या रहता है, पीलेपन के लिए क्या रहता है। तो सारी खाद मैं लगभग मैं कवर करूंगा और बैक टू बैक मैंने वीडियो बनाते जाऊंगा खीरे की खेती के बारे में। किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने खीरे की खेती तो की है लेकिन वो उनको अच्छे तरीके से जानकारी नहीं है कि वो क्या करें। तो बहुत सारे किसान भाई पूछते भी हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्टली किसान भाइयों के लिए वीडियो को बना करके दे दे रहा हूँ कि उनको क्या हो कि सहायता हो उनकी जानकारी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो खीरे की, अगर आपका आपका खीरा करीब 10 दिनों का हो चुका है ट्रांसप्लांटिंग के बाद, तो आप इसमें डेकी डाल सकते हैं, 19-19 तो डाल ही डाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या उपयोग करना चाहिए, ह्यूमिसोल। ह्यूमिसोल क्या करता है, जड़ों को मजबूत करता है और पत्तियों में देखिए हरा भरा करने की क्षमता में वृद्धि भी लाता है, प्लस जड़ मजबूत करता है और इसमें क्या होता है कि ग्रोथ वगैरह भी काफ़ी अच्छा काम भी करता है वो। और इसमें क्या होता है, देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा ये जो अलग से निकला हुआ है खीरा, ये सब में भी काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, पत्तियों में हरापन मजबूतीपन, तो सारी बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्प करता है हमारा ह्यूमिसोल। और देखिए बेसल खाद तो आपने डाला ही होगा, ठीक ना। बेसल खाद में आपको क्या क्या डाला होगा, जैसे हमने हमारा जैसे बेड वगैरह बना था इसमें, तो हमने इसमें डायरेक्ट डाला था, आपकी जानकारी के लिए भी बता दें हम, इसमें हमने उपयोग किया था वो वर्मी कंपोस्ट का और सागरिका डाला था, ये सब का हमने डाला था और इफ्को वगैरह का उपयोग किया था और फिर पोटाश डाला था, ये सब का हमने डाल के इसमें उपयोग किया था ताकि हमारे देखिए काफ़ी अच्छा हो और इसमें क्या कर सकें, हम डुअल क्रॉप ले सकें, खेरे के बाद कोई और फसल ले सके, क्या होगा एक ही खर्च में दो हमारा बेनिफिट हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये सब बेसल खाद वगैरह डाल करके हमारा खेरा को हमने रेडी किया था। लगाने के बाद कितना दिन हुआ होगा आपको तो पता है, आप जानकारी के लिए बता दूं कि करीबन 20 दिन का करीब हो रहा है और हमने इसको डायरेक्टली बीज को नहीं लगाया था, हमने इसमें लगाया था पहले हमने इसमें लगा दिया था, नर्सरी करने के बाद लगवाया था। नर्सरी के बाद क्या होता है, 90% प्रति पौधा पड़ा था और दूरी वगैरह की बात की जाए एक से दूसरे पौधे की दूरी तो करीबन इसमें एक डेढ़ फीट की दूरी है और इतनी दूरी काफ़ी रहती है खीरे के लिए। और मचान वगैरह दे दिया हमने, 10-10 फीट की दूरी पर इसमें मचान दिया हुआ है। और अगर आपने खीरे की खेती की है तो जरूर से आप मल्चिंग पेपर का उपयोग करिएगा। मल्चिंग पेपर क्या करता है ना कि खरपतवार तो इसमें काफ़ी कमी देखने को मिलती है, प्लस इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहता है कि इवेपोरेशन वगैरह काफ़ी कम इसमें रहती है और बेनिफिट काफ़ी रहता है, हम इसमें डुअल क्रॉप ले सकते हैं अगर हम मल्चिंग पेपर का उपयोग करते हैं। तो मैंने लगभग सारी जानकारी कवर करने की कोशिश की एक वीडियो पर, मैंने इसी प्लॉट के बारे में 2 वीडियो करीबन पोस्ट कर दिया है, आप चाहें तो वीडियो जाकर के देख सकते हैं, जानकारी काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको किसी और खेती के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, फिर हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाई, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करेगा, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करेगा ताकि आपको ऐसी एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी।